नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। गुरु शिष्य परंपरा के कंसेप्ट को लेकर मेरी सुर विहार की परिकल्पना। सुर विहार, सुरों के साथ विहार करना, मतलब घूमना। ये ऑनलाइन संगीत सीखने के चक्कर में गुरु शिष्य का जो पर्सनल इंट्रैक्शन होता है, सामने बैठकर सीखने की जो चलन है, ख़त्म होता जा रहा है। और सभी गुरुओं के साथ शिष्यों का ठीक ठाक तालमेल बैठना ये भी ज़रूरी नहीं। इस वजह से सालों साल लोग सोचते ही रह जाते हैं पर सीखना नहीं होता। इसलिए इस कमी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास, एटलीस्ट साल में एक बार 3-4 दिन के लिए अगर सभी शिष्यों एक साथ हो जाए और उनके साथ गुरु रहे तो एक अलग ही माहौल बन सकता है, ये मेरी सोच है। तो फिर क्या था, एक सुंदर सा जगह चुनना था, नेचर के साथ जुड़े रहने वाला एक सुंदर जगह चाहिए था जिसमें बिल्कुल सुकून हो, कोई भी बाहरी आवाज़ ना हो। ऐसा एक जगह मिल गया जो मुंबई से इतना दूर भी नहीं था, क्योंकि मुंबई नज़दीक होना ज़रूरी था। मैं मुंबई में रहती हूँ और हमारे जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो हारमोनियम, तबला, तानपुरा, माइक सिस्टम, गिटार वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को ले जाने के लिए एक ठीक ठाक सही ट्रांसपोर्ट की भी तो ज़रूरी होता है ना। तो ये जगह हमने चुना है और हमने शुरू किया हमारा वर्कशॉप या गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पढ़ने वाले सारे वो विधा, सारे वो सीखना जिससे गुरु और शिष्य एक साथ और एक सुर में गा सके। मॉर्निंग रियाज से, मंत्र रियाज से हमारा सुबह शुरू होता था। एक तरफ सूर्योदय होना और एक तरफ हमारा मंत्र रियाज, अद्भुत अनुभूति के साथ। रेगुलर क्लासेस में जो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, वैसे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ भी हमने क्वेश्चन आंसर, इंट्रैक्शन और भी डिटेल आलोचना हमने किया है, जैसा कि स्केल। कई लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न उठता है कि स्केल किस तरीके से हम चयन करें, स्केल को लेकर जो भी हमारे मन में डाउट्स था हमने वो क्लियर किया। क्लासिकल म्यूजिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है गायकी। सिर्फ आरोह अवरोह पकड़, आलाप, तान वगैरह गाने से गाना पूर्ण नहीं होता, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ। तो क्या होता है, एक ढंगदार गायकी। और ढंगदार गायकी अगर गुरु के सामने बैठकर सीखा जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, एक अलग ही अनुभूति होता है। तो ये गायकी का सेशन भी हमारा बहुत ही अच्छा रहा। अब खाली सुर से तो चलेगा नहीं, ताल के अलग अलग विधा, अलग अलग ताल में किस तरीके से गाया जाएगा, अलग अलग तालों को कैसे समझा जाएगा, ताली खाली का कॉन्सेप्ट बहुत ही विस्तार रूप से आलोचना किया है। अब कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कभी तानपुरा बजाया नहीं, तो मैं मेरा बचपन का तानपुरा लेकर गई थी ताकि
मेरा बचपन जिस तरीके से उन तानपुरा के तारों में छेड़ते गुजरा, वैसे छोटे छोटे उंगलियां या कोई बड़े बुजुर्ग उसको अच्छे से बजा के वो फील के साथ सोचे कि मैम ने जो तानपुरा के साथ संगीत शुरू की थी, मैंने भी मेरा सुरों को उसी तानपुरा के साथ छेड़ा है। और एक इंटरेस्टिंग बात हमने किया है, चलो पूरा दिन भर हमने तरह तरह का चीज़ें सीखी, तरह तरह का रियाज किया, बहुत क्वेश्चन आंसर किया, लेकिन परफॉर्मेंस, जब तक परफॉर्मेंस नहीं होता है तब तक तो वो पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए हमने रातों को सजाया था स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से, पूरा डिवाइड कर दिया था, पहले दिन कुछ आर्टिस्ट, नेक्स्ट दिन कुछ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी थे, कई लोगों को ऐसा था कि ट्रैक्स में कैसे गाया जाता है या कराओके सिंगिंग कैसे किया जाता है, उसका भी हमने बहुत एक अच्छा सेशंस किए। और हम लोग गोल करके चेयर में बैठ के खूब एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग तो आराम से डांस भी कर रहे थे। शुरू शुरू में उनको लगा मैम के सामने डांस करना चाहिए या नहीं, लेकिन हम तो पूरा झूम उठे। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ने किया। अब रिसॉर्ट के आसपास तो कुछ था नहीं, गांव था, थोड़ी दूर में एक लेक जैसा था। रिसॉर्ट के लोगों ने बोला कि मैम आप बच्चों को लेकर या स्टूडेंट्स को लेकर एक बार लेक घूम के आइए, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। हम लोग सब चले लेक में घूमने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद हमें तो सिर्फ फ़ोटो ही खींचना था। डॉक्टर आकाश को लगा कि हमें गिटार भी ले जाना चाहिए, तो जैसे उसने गिटार खोला तो सारे लोग सुर में सुर मिलाने लगे। कोई गाए भाटियाली, कोई गाए राजस्थानी फोक। फिर हमने बोला जिसको जो भी फोक गाना आता है, क्योंकि हमारे संगीत में फोक सबसे पुराना विधा है। फोक को हम कैसे भूल सकते हैं, इसलिए सारे लोगों ने एक 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 करके फोक गाना शुरू कर दिया। रोज रोजा खोतले एक ही सपना चले, माइक के लिए आते हैं रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। फिर कुछ फोटो सेशंस भी किए, बच्चों को थोड़ा संभालना पड़ा क्योंकि बच्चे बहुत टेम्पटेड हो रहे थे कि हम पानी में जाके खेले। अब घूमने गए हैं, खाना पीना तो अच्छा होना ही चाहिए। हमने पहले से ये मेनू डिसाइड किया था कि हर रोज़ अलग अलग नाश्ता, और शाम के जो नाश्ता थे ना, कभी मुंबई के वड़ा पाव, कभी प्याज के भजिए, कभी पानी पूरी, अलग अलग स्वादिष्ट खाना भी इंजॉय किया। ये सब करते करते हमारा दिन ख़त्म होने आया। जब दिन ख़त्म हो रहा था, सबके मन में एक ऐसी भावना उठती थी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर सुकून के साथ सब कुछ चिंता, सब कुछ घर बार भूल कर ऐसे शब्द एक दूसरे को बोल रहे थे, प्रेस कर रहे थे, तो मेरा मन एकदम गदगद हो गया। मुझे लगा कि मुझे तो यही चाहिए था, ऐसा ही संगीत की जो भावना है सबके मन में, निस्वार्थ भाव से हम संगीत में डूब रहे थे, कल से वो ख़त्म हो जाएगा। कल से हमारे अपने अपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है,
हमारे जो बहनें हैं उनको अपना घर गृहस्थी संभालना है, वही रोटी पकाना, वही अपने घर के काम। सबसे मज़ेदार बात थी कि ज़्यादातर लोग कभी भी एक दूसरे से पहले मिले नहीं थे, लेकिन सबका इंटरेस्ट एक ही था, वो है संगीत। तो लोग ऐसे गले मिल मिल कर रो रहे थे, दैव रूप से संगीत सबके मन में बैठना चाहिए। तो हम इस वादा के साथ उस रिसॉर्ट को छोड़ा और बस में बैठे। वैसे कहते हैं ना, जिसका अंत भला वो सब भला। तो हमने वापस आते आते एक मंदिर का भी दर्शन किया, फिर हम वहाँ से चल पड़े। सबके मन में वही भावना, फिर से कब मिलेंगे। हमने इस वादा के साथ उस जगह को छोड़ा कि जल्दी ही हम फिर से सुर विहार करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, नए लोगों के साथ, नए स्थान में। लेकिन हमारा सुर हमेशा हमारे मन में बसता रहे। वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो भी मन की भावना है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सुरों के साथ रहना चाहते हैं, सुरों के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। नमस्कार।